हे गाइस, तो फाइनली अभी मैं एक और वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो अगर ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दो। तुम्हारा भाई साहब तुम्हारे सामने है, और भी ऐसे फनी वीडियोस बनाऊंगा। तो चलो अगर आज का वीडियो मैं शुरू करते हैं। सब तुमको मालूम है, कुछ कुछ तरीके की ना कुछ लड़कियाँ रहती हैं जिनको ना किसी तरीके का कुछ कन्फर्मेशन ही नहीं रहता है। हाँ, बहुत सारे रहते हैं, जैसे मेरे एक दोस्त, जैसे तुम उनको कुछ भी पूछ लो, उनको कुछ कन्फर्म ही नहीं है ना। एक बात तुम उनको पूछो कि तुम्हारा फेवरेट एक्टर कौन है, तो उनके चार ऑप्शन आ जाते हैं कि हाँ हमको ना ऋतिक रोशन की बॉडी पसंद है, शाहिद कपूर की बीट पसंद है, कार्तिक आर्यन के लुक्स पसंद है, रणबीर कपूर की क्यूटनेस पसंद है, और हम क्या यहाँ गोटे खोदे हैं। वो यही छोड़ो, तुम और भी कुछ पूछ लो, तो तुम ये पूछ लो तुमको आगे जाके क्या करना है ना। तो मैंने भी एक और उसी लड़की से सेम ये पूछा मैंने कि तुमको आगे जाके क्या करना है, तो बोले मेरे को ना कोरियोग्राफी करनी है ना। और मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा कि आगे, बोले कि मेरे को कोरियोग्राफी करनी है, और जिस गाने पर कोरियोग्राफी करनी है वो गाने भी मेरे को गाना है, और जो कोरियोग्राफी का एक्ट होगा वो एक्ट भी मेरे को ही करना है, वो जो मूवी रहेगी मूवी में स्टार कास्ट भी मेरे को ही करना है। मैंने कहा क्या है, सीधे सीधे पूरे बॉलीवुड में जाना है, एक पति की चीज़ को बच्चा घर बना के घूमते हैं लोग यहाँ पे, यार हद होती है। अरे कई बार तो मुझे डर लगता है कि इनसे पूछने के तुम्हारे पापा कौन है, तो ये उसमें भी ना बोलता है चार ऑप्शन कि हाँ मेरे पापा को, पहले मैं अपने पड़ोस वाले अंकल को पापा बुला के थी, फिर मैंने अपने अपने चाचा को भी पापा बोल दिया था, फिर मैंने अपने ताऊ जी को भी पापा बोल दिया था, उसके बाद में पता पड़ा कि मेरे पापा तो कोई और ही है जो मेरी मम्मी के फ्रेंड लगते हैं।